जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए वोटिंग मतदान केंद्रों पर लगी लोगों की लंबी कतार। पुलवामा के नायरा में सुबह से मतदाताओं में दिखने लगा उत्साह। वोटिंग शुरू होने से पहले ही बूथ पर लगी लंबी कतार। टोडा में मतदाताओं में गजब का उत्साह। मतदान शुरू होते ही घरों से निकले लोग। मतदान केंद्रों पर उमड़ी भीड़। जम्मू रीजन के 3 जिलों की 8 सीटों पर हो रही है वोटिंग, जबकि कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 16 सीटों पर मतदान। इस फेज में 90 निर्दलीय समेत 219 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। 23,27,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर की आवाम 10 साल बाद सीएम चुनने के लिए कर रही है मतदान। 2014 में आखिरी बार हुआ था विधानसभा चुनाव। एनसी ने इस चरण में 17 सीटों पर उतारे हैं उम्मीदवार। 5 पर कांग्रेस, 1 पर सीपीआईएम लड़ रही है चुनाव। बीजेपी ने 16 सीटों पर उतारे हैं प्रत्याशी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की बीजेपी प्रत्याशी शगुन परिहार ने की पूजा। साल 2018 में बीजेपी प्रत्याशी के पिता और चाचा के आतंकवादियों ने कर दी थी हत्या। शगुन परिहार ने अपनी जीत का किया दावा, कहा लोगों से मिल रहा प्यार और आशीर्वाद बीजेपी बनाएगी जम्मू कश्मीर में सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। एक्स पर पोस्ट कर लिखा पहले मतदान फिर जलपान। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का फारूक अब्दुल्ला पर हमला, कहा उन्होंने देश के साथ गद्दारी के आतंकियों से रखते हैं हमदर्दी। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले आज हमारी वजह से मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार सभी रोड पर घूमते हैं, पहले यहाँ आईएसआईएस के झंडे लगते थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा बीजेपी चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में होगी। डेमोक्रेटिक प्रगतिशील आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर कसा तंज, कहा हमारे अलावा सब एक टीम। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद, मुझे उम्मीद है कि लोग कश्मीर के दुश्मनों के खिलाफ वोट करेंगे। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में पानी की किल्लत, लोगों की मांग जीने के लिए साफ पानी चाहिए, नेताओं का आश्वासन नहीं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चुनाव से पहले एक्शन में सुरक्षा बलों के जवान, देर रात तक सड़कों पर चलाते रहे वाहन चेकिंग अभियान। किश्तवाड़ में भी लोगों ने चलाया चेकिंग अभियान, सुरक्षा बलों ने ली गाड़ियों की तलाशी, लोगों की आईडी की जांच की गई। आप विधायक दल की नेता आतशी को दिल्ली पुलिस से जल्द देगी जेड श्रेणी की सुरक्षा, सीएम पद की शपथ लेने के बाद देगी सुरक्षा। दिल्ली पुलिस घटा सकती है पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा। केजरीवाल ने मंगलवार को दिया था सीएम पद से इस्तीफा। केजरीवाल को मिली है जेड प्लस सुरक्षा। 21 सितंबर से 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्वाड लीडर्स समिट में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एनपीएस वात्सल्य योजना करेंगे लॉन्च। योजना बच्चों के लिए देगी वित्तीय सुरक्षा। उपचुनाव से पहले सीएम योगी का आज गाजियाबाद दौरा। 757 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 112 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 1500 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम योगी। कुछ छात्रों को स्मार्टफोन टैबलेट वितरित करेंगे। लाभार्थियों को 327 करोड़ रुपए के लोन भी बांटेंगे। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। डॉक्टरों ने एक बार फिर सीएम ममता से मिलने की मांग की। चीफ सेक्रेटरी से भी मिलने के लिए मांगा वक्त। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच जारी। सीबीआई की टीम मंगलवार को पीड़ित के घर भी पहुंची। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा। बलिया, बाराबंकी समेत 7 जिलों में नदी खतरे के निशान के पार। प्रशासन कर रहा लोगों की हर संभव मदद। दिल्ली में आज भी बारिश का येलो अलर्ट। कल शाम कई इलाकों में हुई थी तेज बारिश। झारखंड के सरायकेला में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। करीब 100 से अधिक घर डूबे। लोगों ने स्कूल में ली शरण। नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश अमर के पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार। 22,000 कैश, अवैध हथियार और बाइक बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक को रोकने का किया था प्रयास। बाइक के नहीं रोकने पर भाग रहे बदमाश को पुलिस के साथ एनकाउंटर। सेक्टर 39 में आमिर पर कई गंभीर धाराओं में केस।